नमस्कार। अभी हम लोग रामलीला में, जो लवकुश रामलीला प्रेस कमेटी ने अभी सब बताया है, मेरे साथ एक कलाकार हैं जो महादेव मनीष जी, जो आरा को बिलोंग करते हैं बिहार में, एंड इनसे महादेव का रोल, इनकी बॉडी तो बल्कि इट्स लाइक वेरी बिल्ट फिजिक, यू नो, नाइस फिजिक, तो ये जिमिंग कर रहे होंगे। एंड सो वी वॉन्ट टू नो कि महादेव में क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज ही इज़ द अल्टीमेट। मतलब इस पृथ्वी पे रावण भी हैं चाहे राम है, बट देन शिव जो है वो डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं उनको, डिस्ट्रक्टर, जैसे विष्णु और महेश, इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश। सो आप बताइए सर। सर मैं ये बोलूँगा, पहले नमस्कार। शिव की भूमिका निभाने को पहले, सबसे पहले मुझे शिव अपनी एक सीरियल आई थी, आप देख रहे होंगे स्टार भारत पे, हाँ जी, शिव महिमा, जिसमें मैंने शिव की भूमिका निभाई थी। ओके। और एक मूवी भी आई थी जाग मछिंदर गोरखाया, जिसमें मैंने शिव की भूमिका निभाई। और पहली बार मुझे अशोक जी का फ़ोन आया कि आप हमारे लोकस कमेटी में रामलीला का किरदार निभाएंगे, लेकिन वो फाइनल नहीं था कि मैं कौन सा किरदार निभा रहा हूँ। तो मुझे अनुमान था कि मैं हनुमान का करूंगा या अंगद का करूंगा, क्योंकि हनुमान की मैंने भूमिका रामायण में निभाई थी, सागर आर्ट्स वालों की। तो फिर अचानक इनका एक दिन फ़ोन आया कि आप शिव की भूमिका निभाएंगे। तो मैंने बोला सर मैं कैसे निभा पाऊँगा, क्योंकि ऑन स्टेज पब्लिक के सामने निभाना और स्क्रिप्ट भी काफ़ी लंबे हैं। तो उन्होंने बोला हमें विश्वास है कि आप शिव की भूमिका ज़रूर करेंगे, अच्छे रूप से निभाएंगे। फिर मैंने किया, ये 2018 की बात है जो पहली बार मैंने लोकुश रामलीला कमेटी की ओर से शिव की भूमिका निभाई। फिर नेक्स्ट ईयर 19 में आया फ़ोन कि मनीष जी आप शिव की भूमिका कर रहे हैं। तो दर्शक का प्यार, कमेटी का विश्वास और महादेव की कृपा हम पे है। और फिर ये तीसरी दफ़ा, 2020 में तो हुआ नहीं कोरोना की वजह से, तो काफ़ी मिस किया हम लोगों ने, और जैसे लगता था कि कुछ खो गया है। तो चलिए 2021 में कोरोना समाप्त हुआ और हम सारे पब्लिक के बीच में अपने बखूबी किरदार निभाने आ रहे हैं। और महादेव से एक कहते हैं कि ना, मैं ही आदि, मैं ही अंत, मैं ही नर, मैं ही नारायण। जब महादेव की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो शिव शक्ति माँ पार्वती, उनके बाद ही कुछ होता है। तो वही नारायण में भी समाहित हैं, वही राम में समाहित हैं, वही ब्रह्मा में समाहित हैं। तो आदि और अंत शिव और शक्ति से ही होती है। तो जो शिव की उपासना करता है उसे कुछ नहीं हो सकता। अभी शिवरात्रि भी अभी कुछ समय पहले ही था, जो सावन का महीने बोलते हैं, चार सोमवार। और दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि शिव जी का और पार्वती जी का जो गौरी माँ जो रोल है, ज्योतिर्लिंग भी जुड़े हैं उनसे, फिर अपने जो गणेश जी हैं वो भी जुड़े हैं, जो पुत्र थे जो गणेश जी का, शिव जी ने क्रोध में आके गणों ने, और वो उन्होंने उनका सिर धड़ से अलग करा और फिर वो एलिफेंट गॉड बना जाता है। आपका उसका कुछ प्रतिक्रिया जी? ऐसा है कि माँ पार्वती अपने स्नान कक्ष को गई थी और अपने पुत्र गणेश जी को वहाँ बैठा के गई थी चौकसी के लिए, ताकि कोई अंदर ना आ सके। तो कहते हैं ना गणपति, वो अपने माँ के काफ़ी भक्त हैं और माँ की आज्ञा का पालन करते थे। तो उन्होंने शिव को जाने से रोका, क्योंकि वो पहचानते नहीं थे कि हमारे पिता हैं। तो फिर गुस्से में शिव जी आकर उनके सर को धड़ से अलग कर देते हैं। फिर माँ आती हैं अपने बच्चे की आवाज़ सुन के, फिर काफ़ी क्रोध में आती हैं कि सृष्टि का मैं परलय कर दूंगी अगर मेरे बेटे को फिर से जिंदा नहीं किया गया। अब महादेव कृष्ण कष्ट में है, सारे देवता लोग आते हैं, सारे देवता लोग त्राहिमाम करते हैं। फिर महादेव बोलते हैं कि प्रातः काल इस रास्ते में, आपके जाने के मार्ग में जो भी इंसान, नर, जानवर जो भी मिलता है, उसका धड़ लाकर इन्हें लगाएंगे तो फिर से जीवित हो जाएंगे। तो एक राक्षस रूपी था जो शिव की काफ़ी उपासना किया करता था। तो उन्हें क्या था कि वो शिव के चरणों में जगह पाना चाहते थे। तो एक हाथी के बच्चे के रूप में उसी रास्ते में वो ऋषि मुनि को मुलाकात हुई, फिर वहाँ से उनके सर को काट के लाया गया और गणपति जी को
लगाया गया, फिर गणपति जी जीवित हुए। ये चीज़ें गणपति जी को विघ्न करता बोला जाता है। अभी मैं रिसेंटली कुछ थोड़ा बहुत सीरियल्स देखता हूँ, तो सीरियल्स में जो दिखाया गया कि जो गणेश जी हैं उनको महाशक्ति में दिखाया गया, और कहा गया उसमें कि गणेश जी का ये रचाया हुआ था सारा। तो एक्चुअली अब इंडियन जो क्या बोलते हैं रिलीजन मिथ जो मिथोलॉजिकल सीरियल्स बन रहे हैं, तो उसमें कुछ कुछ पुराने जो बने हैं वो डिफरेंट स्टोरी बनी है। बट आई थिंक सुप्रीम पावर तो गणेश जी भी हैं, और सबका अपन लोगों को भारत में, जैसे अब बोला उन्होंने राम जो रोल निभा रहे हैं कि राम को भी इम्पोर्टेंट है मर्यादा पुरुषोत्तम, एंड रावण के बिना राम की वो भी अस्तित्व नहीं रहेगा, तो रावण इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर विलेन ना हो तो हीरो का महत्व नहीं है, अगर रावण नहीं है तो राम का महत्व नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर में दिखाया गया है कि आप हीरो तभी बनते हैं जब किसी बदमाश को, विलेन को जब तक मारते नहीं हैं तब तक लोग आपको हीरो मानते नहीं हैं। वी आर थैंकफुल सर, और मैं अपना जो चैनल है हमारा यूट्यूब पे एलाइड 24/7 न्यूज़ करके है, मेरे एक फ्रेंड हैं जो आज आई नहीं है शाइन दिल्ली, तो उनकी तरफ से हम लोग आपको शुभकामनाएं एक्सटेंड करते हैं। और एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो एक लवकुश रामलीला जो है ये एक नया रूप में आ रही है पिछले 8-10 साल से दिल्ली में, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हो गया है आपका, अदरवाइज जो आपका थोड़ा सा हम लोग जानना, दर्शक जानना चाहेंगे कि जो रोल निभाते हैं वो क्या एजुकेशन उनका है, क्या ड्रामेटिक्स में क्या उन्होंने सीखा, एक होता है ना नेचुरल आप कर रहे हैं किरदार निभा रहे हैं स्पोर्ट्स की तरफ, जैसे आपने उन्होंने बोला ड्रग्स, तो आप उसके बारे में अपना थोड़ा सा जीवन के बारे में। जी मैं मनीष चतुर्वेदी, पटना यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की, और फिर फाइनली क्योंकि बिहार की मेंटलिटी होती है कि डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हमारे भी गार्जियन का शौक था कि हमारे बच्चे आईएएस बने इंजीनियर बने, तो मैंने कोशिश की, लेकिन किस्मत कहते हैं ना, जो किस्मत होती है रोजी रोटी जहाँ की होती है वहीं लेके आता है। तो मैं पहले बिहार में स्टेज किया करता था, और फिर वहाँ दूरदर्शन से मैंने बहुत सारे सीरियल और शो किए बिहार से, फिर मौका मिला एक एंटी ड्रग्स के ऊपर मूवी बन रही थी टेली फिल्म्स डीडी के लिए, और उसमें हीरो का किरदार निभाया मैंने, जिसका नाम था अंधा सफ़र, जो कि ड्रग्स के विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, चार हीरो रहते हैं हम लोग। और मैं आज भी कहूँगा कि महादेव, लोग कहते हैं ना कि महादेव ने ये क्या गांजा भांग ये लेते हैं नशा करते हैं, महादेव का नाम बदनाम करते हैं, मैं कहूँगा कदापि नहीं, क्योंकि उन्होंने जो विष पान किया था समुद्र मंथन के बाद तो सृष्टि को बचाने के लिए किया था, तो कदापि ये ना सोचे कि उन्होंने लिया तो महादेव हैं भगवान हैं उन्होंने लिया, तो उसके लिए नहीं लिया था उन्होंने, अगर वो नहीं ग्रहण करते तो शायद आज सृष्टि नहीं होती, आज हम जीवित नहीं होते। तो इससे आपको शिक्षा लेनी होती कि महादेव ने ये दिखाया कि भाई आप अच्छे जीवन जिए, गणपति ने दिखाया कि माँ बाप आदर्श होते हैं, क्योंकि वो खुद एक आदर्श बेटा थे, माँ बाप की पूजा करते हैं, आज गणपति तभी खुशी होते हैं या खुश होते हैं कि जब आप माँ बाप अपने बड़ों का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। और मैं आज नवयुवक से कहूँगा कि आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो एक आदर्शवादी बेटा थे, महल राजसुख छोड़कर वन को गए सिर्फ अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए, उनके वचन निभाने के लिए। तो मैं यही कहूँगा अपने बड़ों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, तभी क्योंकि भारतवर्ष में अपने बड़ों का सम्मान किया जाता है, यहाँ जात पात हमारे यहाँ नहीं मानी जाती है, अब जात पात भेदभाव सब मिटाएं और आपस में मिल के रहें, तभी हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ेगा, तभी इसका सम्मान होगा। अच्छा थैंक यू मनीष चतुर्वेदी जी, अब आपने एक्सक्यूज मी ब्रदर एक सेकंड, आप एक सेकंड कैन यू होल्ड इट सर, मैंने कहा एक फोटो ले लेते, मेरे फ्रेंड बोले फोटो नहीं लेते हो तुम, वीडियो तो चल ही रहा है, वो फोटो आ जा रहा है। थैंक यू चतुर्वेदी जी, मैं समझता हूँ जैसे द्विवेदी होते हैं चतुर्वेदी होते हैं, तो वो चार वेदों का ज्ञान रखते हैं, आई एम अ जैन आर्यसमाजस्ट, तो उसमें आई शुड नो वेद, बट मैंने सत्यार्थ प्रकाश थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करी, बड़ा डिफिकल्ट होता है, फिर फोकस चाहिए आपको ना, तो आपका इट्स वे सो नाइस टू मीट यू, और आप इतना बड़ा कैरेक्टर निभा रहे हैं, और आपने भी हैव टॉक्ड अबाउट ड्रग्स, तो मैं लास्ट में आपको कहूँगा कि कुछ मैसेज एक
दो शब्द जो भी एक लाइन में फॉर ड्रग्स नो से नो टू अल्कोहल जो बोलना चाहे सर। पहले मैं बता दूं आपको, आज ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री की करीब 15 ईयर हो रहे हैं हमारे। इसके बीच मैंने बहुत सारे सीरियल किए हैं, अब रिसेंट हमारे तारक मेहता, शक्ति, दुर्गा और अभी 2-400 और आने वाले हैं जो चल रहे हैं हमारे। और मैं यही कहूँगा कि जैसे हमारे भाई ने बोला मुझे कि मनीष जी आप में आपकी बॉडी बिल्डअप लगती है, पर्सनालिटी फिट है, ये बातें आती है, तो मैं यही कहूँगा कि भाई आप सब कुछ करो लेकिन नशा से दूर रहो। आप तभी फिट हो, आपका मन दिमाग तभी स्वस्थ है जब आप नशा से दूर दूर तक तो कोई संबंध हो। खाने की जो चीज़ें होती है, पीने की जो चीज़ें होती है वो करो, लेकिन कदापि ड्रग्स, ये शराब, ये क्या ना गुटखा पान पराग, ये आप एक कैंसर को दावत देते हैं, अपने माँ बाप को कष्ट देते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, अपने समाज को कष्ट देते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि जब तक युवा पीढ़ी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देगा, जब तक इसको त्यागेगा नहीं, हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ेगा नहीं। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप संकल्प लें कि हम नशा को अपने देश से मुक्ति दिलाएंगे और हम अपने आसपास किसी को भी नशा करने नहीं देंगे, तभी हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर। आपका कोई आप बताना चाहेंगे फेसबुक हैंडल या ट्विटर हैंडल या और कोई चीज़ दर्शकों को जिससे वो आपको रीच कर पाए? सर mchaturvedi.com पे आप जाएंगे, मनीष चतुर्वेदी मिलेंगे, और फेसबुक पर मनीष चतुर्वेदी एक्टर डालेंगे तो तो मैंने कहा क्योंकि नॉर्मली होता है ना लोगों को दे वांट टू रीच, हम लोगों को मैसेज करते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि हमें इनसे टच करना, लेकिन मैंने कहा एक बार डायरेक्टली डाल देते हैं। सर सो नाइस ऑफ एम चतुर्वेदी 77@gmail.com। राइट सर, धन्यवाद सर, नमस्कार।